तो हम लोग जो पीछे की क्लास में जितने भी चीज पढ़े थे, ठीक है ना, उन सभी बातों को समझते हुए आज की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का एक नई टॉपिक को स्टार्ट किए, जिसमें है वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते। पीछे हम लोग वर्ग अंतराल तक पढ़े थे और वर्ग अंतराल की परिभाषा लिखे थे। आज वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है वर्ग अंतराल? कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक नाम है अपवर्जी या अतिव्यापी वर्ग अंतराल। अपवर्जी या अतिव्यापी वर्ग अंतराल, अंग्रेजी में इसको एक्सक्लूसिव ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल, या तो आप एक्सक्लूसिव कह सकते हो या ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दो नाम होता है वर्ग अंतराल में। पहला जो अपवर्जी वर्ग अंतराल है, इसका दो नाम है, एक अपवर्जी, दूसरा अतिव्यापी वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो अपवर्जी वर्ग अंतराल या अतिव्यापी वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल का पहला भाग है। दूसरा है समावेशी या अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। तो इस प्रकार से हम लोग को याद रखना है कि वर्ग अंतराल दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, एक अपवर्जी वर्ग अंतराल और दूसरा समावेशी वर्ग अंतराल। अपवर्जी वर्ग अंतराल और समावेशी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अपवर्जी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को आप देखिए। इसमें लिखे हैं जिस वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा बराबर होती है उसे अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 0 से 10, तो ये इस वर्ग की अगर बात करें, इस वर्ग की बात करें, तो इस वर्ग में ऊपरी सीमा 10 है और निम्न सीमा क्या है? 0 है। तो एक वर्ग अंतराल में दो चीज होता है, एक निम्न सीमा होता है और एक ऊपरी सीमा होता है। पीछे की क्लास में बताए थे ना, वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को आपको समझना है। तो ये 0 क्या है? निम्न सीमा, और 10 क्या है? ऊपरी सीमा। ठीक इसके बाद देखिए, ये 10 से 20 है, तो इसमें निम्न सीमा 10 और ऊपरी सीमा कितना? 20। तो देखिए कि वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा क्या है? 20, तथा निम्न सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का क्या है? 10। तो दोनों बराबर है ना। यहां देखिए पहले वर्ग अंतराल का, पहले वर्ग का मतलब ऊपरी सीमा, दूसरे वर्ग का निम्न सीमा क्या है? बराबर है। इसमें भी ठीक इसी प्रकार से गया है, 20 है यहाँ भी 20 है, 30 है यहाँ, 40 है यहाँ 40 है, यहाँ 30 है यहाँ 30 है। तो मतलब क्या, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा अगर बराबर लिखा जाता है या रहता है तो उसको कहते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। ऐसा अगर रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे अपवर्जी वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा अगर वर्ग अंतराल रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे, ऐसा वर्ग अंतराल क्या है? अपवर्जी वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। ये देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपवर्जी वर्ग अंतराल है या समावेशी वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात को आप समझ के रखेंगे, आगे चैप्टर में इसका जरूरत है। फिर है समावेशी वर्ग अंतराल। समावेशी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? तो इसमें इसका जस्ट इसका विपरीत लिखे, उल्टा लिखे हैं, ठीक है ना। जिस वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा बराबर नहीं होती है उसे समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं। अपवर्जी वर्ग अंतराल से समावेशी वर्ग अंतराल थोड़ा सा जो है ना अलग दिखेगा या अलग यह रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा वर्ग अंतराल है। हाँ, वर्ग अंतराल की पहचान करने के लिए आप लोगों को होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल, इसमें देखिए क्या है, 16 से 20, फिर क्या हो गया, 21 से 25, फिर क्या हो गया, 26 से 30, 31 से 35, अब 36 से 40, 41 से 46 से 50। तो क्या देख पा रहे कि ऐसा ही वर्ग अंतराल ये है? नहीं, इससे थोड़ा सा भिन्न वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका समावेशी वर्ग अंतराल, यह हो गया कैसा वर्ग अंतराल, यह हो गया आपका समावेशी, ये क्या अपवर्जी हुआ ना, ये अपवर्जी वर्ग अंतराल हो गया, ये समावेशी वर्ग अंतराल हो गया। तो
हमेशा याद रखना अपवर्जी वर्ग अंतराल में एक कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है ना। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसा चलता रहेगा। जैसे हम 20 से ही स्टार्ट करेंगे तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ऐसा मतलब चलेगा, तो वो हो जाएगा अपवर्जी वर्ग अंतराल। लेकिन समावेशी वर्ग अंतराल में क्या होगा, थोड़ा सा गैपिंग होगा, ठीक है ना। मतलब एक अंक बढ़ा करके या मतलब दो अंक बढ़ा करके ऐसा मतलब जो है ना लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, 16 से 20, तो 21 से 25 हो गया, तो 20 से और कुछ होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, गैपिंग है। तो ऐसा वर्ग अंतराल को हम लोग समावेशी वर्ग अंतराल कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यही समावेशी वर्ग अंतराल से एक चीज आता है रिक्ति, ठीक है ना। रिक्ति का अंग्रेजी गैप लिखे हैं, जो गैप इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 16 से 20 है, अब 20 से होना चाहिए तो 21 से 25 है, तो रिक्ति कितना का जा रहा है, तो एक का जा रहा है, एक इसमें बढ़ते चल रहा है ना। तो 16 से 20, 21 से 25, तो 21 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना होगा, एक। तो एक क्या हो गया, इस वर्ग अंतराल का रिक्ति हो गया, ये वर्ग का क्या हो गया, रिक्ति हो गया। तो इसी चीज को हम लोग लिखे हैं, समावेशी वर्ग अंतराल किसी वर्ग की ऊपरी सीमा, समावेशी वर्ग अंतराल में कर देना है, समावेशी वर्ग अंतराल में, समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा, समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभाषा को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। रिक्ति का परिभाषा, ठीक है ना, रिक्ति का परिभाषा है कि समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा मतलब इसी वर्ग का अगर बात करें तो इस वर्ग का ऊपरी सीमा 20 हो गया, ठीक है ना। और फिर कह रहा तथा ठीक बाद वाले वर्ग, ठीक बाद वाले वर्ग ये हो जाएगा, इसका निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या हो गया, 21। तो इसके जो अंतर होगा वही रिक्ति कहलाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 21 में से 20 घटा दीजिए, एक रिक्ति निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां से निकालना है, इससे इन दोनों से निकालना है, तो 26 में से 25 घटा दीजिए, तो रिक्ति निकल जाएगा, ठीक है ना। या इन दोनों में से रिक्ति निकालना है तो 46 में से कितना घटाइए, 45, तो रिक्ति निकल जाएगा, ठीक है ना। तो रिक्ति आप लोग को समझ में आ गया कि रिक्ति क्या होता है, समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को रिक्ति कहते हैं। इसका सूत्र यहां लिख दिया गया है, ठीक है ना। रिक्ति का फॉर्मूला, किसी वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा, हाँ, और उस वर्ग की ऊपरी सीमा को घटा दीजिए, रिक्ति निकल जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा और सूत्र आपको याद रखेंगे। अब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो 9th से आपको 10th में भी इसकी जरूरत पड़ेगा। होता क्या है, जब हम लोग माध, माध्यक, बहुलक ज्ञात करते हैं, तीन चीज संख्यांकी का केंद्रीय माप होता है। आप लोग को पीछे भी बताए थे, संख्यांकी का तीन केंद्रीय माप होता है, ठीक है ना। इसी के इर्द गिर्द जो है ना संख्यांकी का मान जो है रहता है, क्या है, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीन को हम लोग संख्यांकी का केंद्रीय माप कहते हैं। या आप ऐसा समझ सकते हैं, संख्यांकी का अगर हम लोग अर्थ को जाने तो संख्यांकी यही तीन चीज से है, माध्य, माध्यक और बहुलक। इस चैप्टर में बस यही चीज को मेन, मतलब मेन मुद्दा में पढ़ा जाता है, इसी चीज को समझा जाता है, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन चीज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। आगे चलकर के इन सभी चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। आगे 10th क्लास में पढ़ने के लिए है, 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो 9th और 10th दोनों एक जैसा जो है ना थ्योरी है, तो इसलिए थ्योरी को आप ढंग से पढ़ के याद रखेंगे, फिर जाकर के आपको 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपको 9th में याद रहेगा तो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को समझना क्या है इंपॉर्टेंट चीज में, तो ये देखिए, हमेशा
अपवर्जी वर्ग अंतराल और समावेशी वर्ग अंतराल में यह तुलना करना है कि हमेशा हम लोगों को माइंडसेट रखना है कि अपवर्जी वर्ग अंतराल में रखना है माध्य माध्यक बहुलक को ज्ञात करने के लिए। जब कभी हम लोग माध्य माध्यक और बहुलक को ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को देखते हैं कि वर्ग अंतराल में कुछ त्रुटि तो नहीं है, समावेशी वर्ग अंतराल में तो नहीं है। समावेशी वर्ग अंतराल में रहता है तो उसको अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना होता है, तभी माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करते हैं। अन्यथा जैसा समावेशी वर्ग अंतराल में दिया गया है वर्ग अंतराल और उसी से आप माध्य माध्यक बहुलक निकालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा या आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि वर्ग अंतराल में अगर समावेशी वर्ग अंतराल में अगर सवाल में दिया रहता है तो उसको अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना होता है। इसलिए हम यहां पर लिखे हैं समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना। जब तक आप समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में नहीं बदलोगे तब तक आप माध्य माध्यक बहुलक की आंसर सही ढंग से नहीं ला पाओगे। इसलिए याद रखना है समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदल करके ही माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां समझिए कैसे इसको बदलते हैं। तो इसके लिए यहां पर हम थोड़ा सा कंडीशन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा ठीक उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा वर्ग की निम्न सीमा में से घटा दिया जाता है और ऊपरी सीमा में जोड़ दिया जाता है। अब यहां समझिए ये जो इतनी हम बात को लिखे हैं ये बात को हमेशा के लिए आपको दिमाग में सेट रखना है। क्या? कि समावेशी वर्ग अंतराल में, हाँ, समावेशी वर्ग अंतराल को अगर अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना होता है तो उसमें सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि रिक्ति निकालेंगे और रिक्ति निकाल करके उसका आधा करेंगे। जैसे अभी आप देखिए कि इसका रिक्ति कितना निकलेगा जी, इन सभी का रिक्ति कितना निकलेगा? एक निकलेगा। क्या निकलेगा? एक। एक का आधा करेंगे तो एक का आधा 0.5 ही होगा ना, तो 0.5 16 में से घटाएंगे और 20 में जोड़ेंगे और ऐसे करके सभी में हम लोग लिखते चलेंगे तो यह जो समावेशी वर्ग अंतराल है वो अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। तो याद रखना है हमेशा समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में जब तक नहीं बदलेंगे तब तक माध्य माध्यक और बहुलक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ आप देखिए ये जो वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं ये वर्ग अंतराल समावेशी वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, और इस वर्ग अंतराल को हम लोग अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदल दिए हैं। तो इसमें वही किए हैं जो यहाँ पर लिखे हैं और जो हम आपको बता रहे हैं। क्या? तो समावेशी वर्ग अंतराल ये 16 से 20 21 से 25 है तो इसका सभी का रिक्ति कितना होगा? एक होगा। क्या होगा? एक। एक का आधा करेंगे तो क्या होगा? 0.5। अच्छा 16 में से 0.5 घटाएंगे तो 15.5 बचेगा ना, तो यहां पर लिखे है 15.5। समझ में आई बात? यहां पर 20 है तो 20 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 20.5 हो जाएगा ना, तो यही चीज लिखे 15.5 से 20.5 लिखे। अब यहां देखिए 21 25 है ना, 21 में से 0.5 घटा दीजिए 20.5, तो 20.5 लिखा गया है ना, और इसमें अगर 0.5 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 25.5। इस प्रकार से इसको नोट किया गया। समझ में आ गया ना? तो याद रखना हमेशा के लिए कि समावेशी वर्ग अंतराल में अगर सवाल में दिया है तो उसको अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना है, तभी माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए इन सभी बातों को अगर समझ गए तो अब यहाँ पर एगो सूत्र लिखे, ये सूत्र को याद रखना है। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या का मतलब हुआ ये देखिए, एक वर्ग यह हुआ, ये जो होता है ना एक वर्ग होता है, इसके क्रम में जो भी होगा वो एक वर्ग में आएगा। ये दूसरा वर्ग हुआ, ये तीसरा, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग, ये छठा वर्ग, ये सातवां वर्ग। इस टेबल में अगर कहे कितना वर्ग है तो कितना वर्ग होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो यही वर्गों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है, वर्गों की संख्या बराबर परिसर अभागा वर्ग अमाप। अच्छा वर्ग अमाप क्या है तो वो भी समझ लीजिए। वर्ग अमाप किसको कहते हैं? वर्ग अमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग अमाप को याद रखना एच से डिनोट किया जाता है हमेशा के लिए, एच से, ठीक है ना। वर्ग अमाप को किससे सूचित किया जाता है?
एच से। अब देखिए यहां पर, जैसे यहां पर 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है ना, तो इसमें अगर हम लोग वर्ग अमाप निकालना है तो इसमें क्या करना है, किसी में से ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना। जैसे 40 से 50 है, 50 में से 40 को घटाइए, 50 में से 40 घटेगा कितना बचेगा 10, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, वर्ग अमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग अमाप हो जाएगा। तो समझ में आ गया वर्ग अमाप, हाँ वर्ग अमाप अगर आपको कहेंगे निकालने के लिए किसी का तो हो जाएगा ना। तो वर्ग अमाप में क्या किया जाता है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को बस घटा दिया जाता है, ठीक है ना। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में से अगर घटा देते हैं तो वो क्या आ जाता है, वर्ग अमाप आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इन सभी बातों को याद रखते हुए फिर हम लोग ये एक चीज लिखे हैं, टेलीमार्क या मिलान चिन्ह, ठीक है ना, टेलीमार्क या मिलान चिन्ह। तो टेलीमार्क या मिलान चिन्ह क्या है इसको समझ लीजिए, बहुत इजी चीज, आप सातवां आठवां क्लास में इस चीज को पढ़े हैं। क्या टेलीमार्क या मिलान चिन्ह, जैसे ये चार गो लकीर ऐसे दिया, एक दो तीन चार है, बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है ना। तो क्या गो लकीर हुआ, चार गो लकीर ये हुआ, एक गो लकीर ऐसे गया, तो कितना हुआ पांच। तो इसको पांच को इस ढंग से लिखते टेलीमार्क में, अगर पांच को लिखना है टेलीमार्क में तो ऐसा लिखा जाएगा, पांच चार गो लकीर ऐसे दिया जाएगा और बीच से ऐसे काट दिया जाएगा तो पांच हो जाएगा। फिर जाकर के छ लिखना है तो पांच पहले लिखना पड़ेगा तब छ, एक एक लिखना पड़ेगा ना, तब जाकर के होगा ये टेलीमार्क, इसका छह का टेलीमार्क। इसी प्रकार से सात का टेलीमार्क लिखना है, जैसे तीन का टेलीमार्क लिखना है तो क्या करना है, तीन को ऐसे खींच देना, बस हो गया टेलीमार्क। समझ गए बात को ना। अब मान के चलिए चार, मतलब मान के चलिए कि 11 दे दिया या 10 दे दिया है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, चार गो लकीर ऐसे पहले देंगे, ऐसे काट देंगे, तो यह पांच हो गया। फिर 10 लाना है, एक और ऐसे बना देना है, हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10, क्या पढ़ेंगे 10, यह टेलीमार्क है, ठीक है ना, मिलान चिन्ह है। तो इन सभी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो अब एक्सरसाइज का सवाल समझ में आएगा।